सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाँ दोस्तों, आई एम अगेन बैक अगेन टुडे। टुडे विल बी डिस्कसिंग अबाउट एन इम्पोर्टेंट मॉडल वर्ब, दैट इज मे। मे कहाँ पे यूज होता है और कहाँ किन डायरेक्शंस में यूज करना है, आज मैं आपको इसकी पूरी क्लियरेंस बताऊंगा। और दोस्तों, मैं आपको ये भी कहने जा रहा हूँ कि आप मेरी वीडियो एंड तक देखते रहिए, ताकि आप इसको स्किप नहीं करिए, क्योंकि फिर अगर आपने स्किप हो गया तो आप ये समझ नहीं पाएंगे। दूसरी बात मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करते रहिए, सो दैट जो बाकी लोग हैं उनको भी इसका पता चलेगा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली और आप ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक भी करेंगे। थैंक यू सो मच। सो मॉडल वर्ब दोस्तों, आज हम मे की बात करने जा रहे हैं। दोस्तों मे तीन चीजों में हम यूज करेंगे, थ्री डायरेक्शंस इसको यूज किया जाता है। किन किन तीन तरीकों में, मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा। पहले, इट इज यूज्ड फॉर, पहले जो हमने यूज करना है पॉसिबिलिटी, ठीक, नंबर वन। दोस्तों नंबर दो में को यूज किया जाता है वेरी इंपॉर्टेंटली, जिसको हम बोलते हैं परमिशन। और नंबर तीन दोस्तों, जिसके लिए हम इसको यूज करते हैं बहुत इंपॉर्टेंटली, ये तीन चीजें, दैट इज विश। तो समझेंगे पहले हम पॉसिबिलिटी क्या होती है। दोस्तों पहली बात है कि वेयर यू फाइंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी, कोई भी पॉसिबिलिटी, जैसे आज की पॉसिबिलिटी है इट मे रेन, इट मे रेन। मैं यहां पे लिखूंगा इट मे रेन, इट मे रेन, बारिश आएगी। दोस्तों जब पॉसिबिलिटी आपको प्रेजेंट दर्शाना है, प्रेजेंट, बारिश आएगी, बारिश आती है, तो इसको आप वर्ब वन के साथ जोड़ेंगे, यानी मे को प्लस वर्ब वन करेंगे। क्या करेंगे? प्लस वर्ब वन। बारिश आएगी, बारिश आती है, बारिश के चांसेस है। दूसरा आप लिख सकते हैं इट मे हेल, इट मे हेल, ओले की गुंजाइश है, प्लस वन, क्योंकि हेल हेल्ड है, यानी हेल, वी टू वी थ्री, इसको हमने यूज नहीं करना है। रेन 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 वी वन, क्योंकि मे के साथ प्रेजेंट को दर्शाने के लिए जो बात है, आए या नहीं आए, दैट इज कॉल्ड, यानी पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, मे को हमने यूज करना है जहां पे। लेकिन दोस्तों एक बात आपने मे के बारे में एक और चीज सुननी है, अगर यही बात मैं कल बताऊंगा, कल दोपहर को बारिश आई थी, बारिश आने की संभावना थी। दोस्तों आपने क्या करना है, इट माइट हैव रेन, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस माइट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस माइट आपने यूज करना है। दोस्तों आप समझे? यस, क्या बोला, अगर यही बात पास्ट में दोहरानी थी कि बारिश की संभावना थी, बारिश आने की संभावना थी, आज मैं बता रहा हूं कल की बात, तो आप क्या कहेंगे, इट माइट हैव रेन्ड, इट माइट हैव रेन्ड, या इट माइट रेन, ये भी लिख सकते हैं इन सम वेयर केसेस में, तो इट माइट, लेकिन जब आप हैव यूज करोगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आपने हमेशा यूज करनी है, पास्ट की बात, शायद ये बारिश आने वाली थी तो माइट हैव रेन्ड, समझ आया आपको। और प्रेजेंट में अगर आप बारिश बोलने की बात है, बारिश आए कि नहीं आए, आज वो आ भी सकता है नहीं भी, जैसे ही मे कम, वो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। मैच विल स्टार्ट, यहां पे मैच विल स्टार्ट नहीं, वो होगा तब जब श्योर, यहां पे मैच मे स्टार्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दैट इज वर्ब वन। अब बात करेंगे दूसरे, वो है किसकी, परमिशन की। दोस्तों जब भी आप हम्बलनेस दिखानी होगी, रिगार्ड्स दिखाने होंगे और एक्सट्रीम रिक्वेस्ट दिखानी होगी, आप बोल सकते हैं यू मे कम, मे आई कम इन, यस यू मे कम, मे आई कम इन मीन्स वहां पे फॉर्मेलिटी है, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, यस यू मे कम, इसमें ज्यादा रिगार्ड्स है, इसमें ज्यादा हम्बलनेस है, मे आई कम, जहां भी परमिशन, मे वी गो देयर, मे आई गो देयर, तो इसके लिए आप यूज करेंगे दोस्तों मे, परमिशन के लिए। और सबसे बड़ी बात विश, अगर आपको कोई बताता है विश, परमिशन तो आ गई,
परमिशन तो आपको आ गई, परमिशन तो आ गई समझ। परमिशन में क्या है, आपने याद रखना है, मे आई कम इन, मे वी कम, मे वी गो देयर, मे आई लीव, इन चीज जैसे चीजों को जब आप यूज करोगे परमिशन के साथ भी, मे आई कम, मे आई लीव, इनको भी वर्ब वन के साथ आप जोड़ सकते हैं। किनको? परमिशन। जब आप परमिशन करते हैं तो वर्ब वन के साथ, मे आई लीव आप सेंटेंस में लिख सकते हैं दोस्तों, मे आई लीव, लीव क्या है, मे आई लीव क्या है, मे आई लीव, यस वर्ब वन, लीव का फिर लेफ्ट वो नहीं यूज करना है हमने, सिर्फ वर्ब वन। मे आई गो, गो भी पहला वर्ब है, तो इसके साथ आप परमिशन में वर्ब वन लगाएंगे। अब रहा दोस्तों विश, विश हमेशा यूज करते हैं तीन चीजों में दोस्तों, कहां पे? एक तो हम करेंगे जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको मैं बता रहा हूं ब्लेसिंग जहां पे होगी, जैसे मैं कहूंगा आपको ब्लेसिंग, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। लेकिन दोस्तों एक बड़ी बात आपको याद रखनी, जब भी विश यूज करोगे, मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू गेट सक्सेस। सो वहां पे नोट ऑफ एक्स, इनको विश के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क मारना जरूरी है, जिसको हम बोलते हैं नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन इन दिस रिगार्ड, इन दिस केसेस वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर रेफरिंग टू विश। जब आप विश की बात करेंगे तो वहां पे नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन का होना जरूरी है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये जो मे के बारे में मॉडल वर्ब, मे एक इंपॉर्टेंट मॉडल वर्ब है, और मैंने आपको बताया तीन चीजों में यूज करते हैं, पॉसिबिलिटी ए, दूसरा है परमिशन, और तीसरा है दोस्तों विश। इन तीन चीजों के लिए ये मॉडल वर्ब यूज होता है। आई होप आप लोगों को दोस्तों अच्छे से समझ आया होगा। सो टुमारो आई विल बी विद वन अनदर मॉडल वर्ब दैट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू। सो थैंक यू वेरी मच।